अस्सलाम वालेकुम। 2 अक्टूबर है 2024 बुध का रोज है। इस वक्त 4 बज रहे हैं और मैं माजा के रेस्टोरेंट पे आया हूँ। माजा का आज इफ्तिता है और आज के दिन जितने भी लोग आएंगे उनका दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक जो भी खाएंगे वो फ्री है। आज इनकी ओपनिंग की खुशी में इन्होंने जो है ये फ्री रखा है। नासिर जावेद साहब जो इनके ओनर हैं, उन्होंने ये फ्री रखा हुआ है। मैं सामने देखिए ये माजा का इनका रेस्टोरेंट है। आज फर्स्ट डे है, इसकी ओपनिंग है और ओपनिंग की खुशी में जो है इन्होंने ये फ्री रखा हुआ है। ये बहुत यहाँ देखिए पब्लिक का रश लगा हुआ है, गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिल रही। नॉर्थ बेवरबिक रोड कहलाता है ये। पार सिडनी के करीब है ये और हमारे बोनटून से तो तकरीबन 9 मिनट की ड्राइव पर है। ये देखिए बहुत पब्लिक बाहर भी बैठी हुई है, अंदर की तो फुल है। चलते हैं अंदर की तरफ। माशाल्लाह ये रोड बहुत ही मशहूर रोड है ये, और यहाँ तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। देखें यहाँ दीगर भी ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट है, बार्बर शॉप है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं। और इनके माजा है के यहाँ पे इतना रश है कि जितनी आप ये पार्किंग की देख रहे हैं सब अंदर इनके रेस्टोरेंट में है। तकरीबन अभी मैंने पूछा कितने अब तक आ चुके हैं तो बोला 1000 के करीब तो लोग आ चुके हैं दोपहर के 12 बजे से। इस वक्त चूंकि 5 बज रहे हैं और रात 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत सारी आइटम है, आप देखें चाप रखी है इन्होंने, निहारी रखी है, बिरयानी रखी है और चिकन कौरमा रखा हुआ है। इतनी 15-20 आइटम इन्होंने रखी है जो कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक फ्री है। आज इनके इफ्तिता ओपनिंग के सिलसिले में इस खुशी में, क्योंकि वैसे भी माजा का बहुत बड़ा नाम है यह खाने में, हमारे पाकिस्तानी जायकों में इनका नासिर जावेद साहब जो हैं, जो इनके ओनर जो है बहुत मेहनत करते हैं और बड़ा नाम कमाया इन्होंने ईमानदारी से और अच्छी चीजें देने से। तो आज इनकी दूसरी ब्रांच भी इस बड़े से कमर्शियल एरिया में ये ओपन हो रही है। हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये ब्रांच में भी कामयाबी हासिल हो और इस एरिया में हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, अफगानी और हर दुनिया के सब जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं इस इलाके में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब होगा इनका, जैसे इनका पहली ब्रांच कामयाबी से चल रही है। और ये भी हमारी दुआ है कि इसी तरह ब्रांचें खुलती रहे। आज तो बहुत रश है अंदर इनके रेस्टोरेंट में, अंदर रेस्टोरेंट फुल होने की वजह से देखें बाहर भी जो है ना पब्लिक बैठी हुई है। और ये जितनी गाड़ियां देख रहे हैं अंदर स्ट्रीट में, बाहर वगैरह रोड पे, सब इनके यहीं जा रहे हैं ये लोग सब जो है। और लाइव बारबेक्यू चल रहा है, देखें धुआं आप देख रहे हैं इनकी रेस्टोरेंट से, बाहर भी लाइव बारबेक्यू ये चला रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि पब्लिक बहुत है, आती जा रही है और खाती जा रही है यहाँ पे। और इतना जायकेदार खाना है कि अंदर जिससे भी पूछा तो सब तारीफें कर रहे हैं। अंदर से भी देखिए पब्लिक आ रही है हर जगह से। का अपना मजा माजा माजा की एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये हर तकरीबात में लाइव भी अपना खाना वगैरह सब करते हैं। हर तरह की आप लाइव भी इनसे करवा सकते हैं, कोई तकरीब है आपकी, शादी ब्याह या किसी तरह का भी इवेंट है तो आप लाइव भी इनसे पकवा सकते हैं वहां पे। देखिए
देखिए फुल भरा हुआ है रेस्टोरेंट अंदर से, जगह लोग जो है बाहर आ रहे, बाहर से आ रहे लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत मुबारक माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चल रहा है आपका, इतना रश है बाहर कि गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिल रही, अल्लाह के फजल से ना। कहा नासिर भाई, कहा है नासिर भाई? अच्छा अच्छा, नासिर भाई बहुत मुबारक, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, इतना जबरदस्त रिस्पांस अल्लाह ने, और ये रोज कैसा मिलेगा देखिए। अरे अर्शद भाई, आप पर बात क्या मतलब भाई, बेहतरीन अजीम शख्स, मेरा बहुत प्यारा भाई, ये शख्सियत कोई नहीं है, बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सन, लविंग, केयरिंग, नासिर भाई भी बड़े जबरदस्त इंसान है। मैंने देखा पहले कि ये मैं माजा के जो ओनर होंगे कोई बड़ी उम्र के होंगे, बुजुर्ग, ये देखो तो यंग सा बंदा है, बिल्कुल यानी फुल चल रहा है ना, ये बन फुल चल रहा है, पब्लिक इतनी आ रही है, हर आइटम यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो ये सब जो है, यस हमारे जो है ना हर दिल अजीज मकसद फोटोग्राफर, डायरेक्टर और फोटोग्राफर, और वीडियो के भी, और हमारी ड्रामे फिल्में सब होती हैं, सबसे ज्यादा ये हमारे अर्शद चौधरी साहब मकबूल है यहाँ पे, हमारे भाई है, दोस्त है, हर शादी की जान है, और माशाल्लाह इनके पास इक्विपमेंट इतना है कि पूरी फुल लेंथ पिक्चर बन सकती है और सबसे कॉस्टली। अर्शद भाई माजा के बारे में भी थोड़ा सा बताइए माशाल्लाह। जी माजा में आज आए हैं, बहुत ग्रेट फूड, ग्रेट पीपल, ग्रेट लोकेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खाना खाने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल भुगतान नहीं है, बहुत सी डिशेज हैं, आप एक एक डिशेज की वो डिटेल्स भी बता सकते हैं, बस इतना है कि खा सकते हैं।